नमस्कार दोस्तों, एडवांस लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनोद कुमार भट्ट आज आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर से हम गाड़ी किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। एक्चुअली मेरा बनाने का मकसद इसमें ये था कि मेरी ये गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। मैं खुद कुछ एक्सपेरिमेंट वैसे ही करता रहता हूँ, नए नए बनाता रहता हूँ, जैसे कि आप टेक्निकल चैनल पर आप देख सकते हैं। ये मेरा टेक्निकल चैनल है एक तरह से, कि ये गाड़ी धुआं दे रही थी मेरी बहुत। तो अचानक मैंने प्लग चेंज किया इसका, और मैं ये बातें करीब महीने पर पुरानी, तो मैं वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इसको, तो अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी सीखेंगे हम किस तरह इसको, इसके अंदर जो बचा हुआ तेल होता है सिलेंडर के अंदर, वो तक नहीं बचेगा, वो भी जल जाएगा और धुएं के थ्रू बाहर निकल जाएगा आपका। और गाड़ी का एवरेज भी बहुत बेहतरीन है, जैसे आपकी गाड़ी 50 का एवरेज देती है तो 5-10 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। दोस्तों ध्यान देते चलो। और लेकिन जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में मिलने वाला नोटिफिकेशन उनके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। चलो दोस्तों, ये पंखे का कैपेसिटर है 440 VAC 50 हर्ट्ज़ का, 25 फ़ारेनहाइट 5%, ये डेल्किन का है। दोस्तों थोड़ी सावधानी बरतनी भी ज़रूरी है, मैं इसको चला रहा हूँ कई दिन से, तो आपको मैं बताऊँगा कि इसको किस तरह फिट किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको छील लेते हैं अच्छी तरह, इसको छील लेते हैं। ये छील लिया, इसको भी हम छील लेते हैं अच्छी तरह, दोनों तारों को हमने छील लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इसको ऐसी जगह लगाएंगे ताकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना हमको। क्या पता, मैं तो चला रहा हूँ, एवरेज भी अच्छा आ रहा है मेरी गाड़ी का, जो 55 करीब इसका 45 के करीब था, अभी करीब 53-55 के लमसम आ रहा है, और गाड़ी धुआं भी नहीं दे रही, बिल्कुल स्मूथली पिकअप बढ़ जाएगा आपकी गाड़ी का बहुत अच्छा। तो मैंने क्या इसको शॉकर पे लगा रहा हूँ, इसको यहाँ पर इसको लगाने के लिए लगाते हैं, जिससे अपन को सुरक्षा पूरी प्रदान हो। इसमें इसको नीचे की तरफ लगा देते हैं यहाँ, ठीक है दोस्तों, इसको हम। और दोस्तों ये जो तार है इसको हम अच्छी तरह से छील लेते हैं। छीलने का मतलब ऐसा है कि ये आपका बिल्कुल कराया कि दो, ये हमारा 2 mm का तार है, ठीक है, थोड़ा मोटा तार लिया था कि फ्लक्चुएशन से ये जले नहीं। हम एक तार तो लेंगे, ये तार एक कैपेसिटर के सिरे पे लगा देते हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा, आपका करंट स्टोरेज इसमें बनेगा, और ये क्या करेगा, उसको हाई करंट देगा प्लग को सीधा अच्छी तरह से। और दूसरा जो तार है ये वाला जो तार है, हम इसके साथ दूसरे जो पॉइंट है उस पर जोड़ देंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, सावधानी ये है कि जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है, जब आप बंद करते हो, तो इस कैपेसिटर के हाथ ना लगाएं इस तरह, नहीं तो ये जोर का झटका देगा, वो भी धीरे से झटका देगा जोर से, ठीक है सर। अब ये चीज़ हमने कर दी है इसकी, अब दोस्तों ये प्लग लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसको टेपिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा टेपिंग करने से क्या है, आपको करंट वगैरह का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है प्लग के हाथ लगाते हैं तो करंट बहुत तेज़ करंट जाता है। तो मैं इसको टेपिंग कर देता हूँ तब तक के लिए। तो दोस्तों हमने अब ये प्लग निकाल लेते हैं हम इस तरह से, और ये जो होल है, ये होल दिख रहा होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये छोटा तार हमने काटा था, हम इसके अंदर इसको लगा देते हैं। ये देखिए इसको, अब मैं डायरेक्ट इसको लगा रहा हूँ, मैं तो एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और एवरेज भी अच्छा दे रही हो। एक जो सिलेंडर में धुआं बचता है वो पूरा बाहर निकल जाता है, इसको अच्छी तरह से इसमें डाल लीजिए। और दूसरा जो ये तार है, ये देखिए, ये वाला मैंने गोल कर दिया है, और इसके मुंह पे हम इसको जड़ देते हैं, इसको ऐसे करके, इसको अच्छी तरह से मैं बताना चाहूँगा, इसको अच्छी तरह घुमा देते हैं यहाँ, ताकि लूज ना हो। अच्छी तरह हमने लगा दिया है, और ये जो कैप है इसके ऊपर इस तरह से हम लगा देते हैं, ताकि ये पानी वगैरह नहीं लगे इसमें, ठीक है दोस्तों। अभी और दूसरा मैं एक टेपिंग और कर देता हूँ इसके ऊपर, ताकि करंट यहाँ जो ये बॉडी पे अगर टच होगा तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमने क्या करा, इसकी टेप थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, तो टेप वापस हटा दी थी, तब इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। जो है बहुत खतरनाक हो चुका है, क्योंकि
कि अभी इसके अंदर जो भी वो होगा जो इसका। अब दूसरा एक चीज़ और बता देता हूँ, इस साइड आएंगे तो कैमरामैन को बोलता हूँ। तो दोस्तों अब एवरेज करने का सेट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। पहले आप देख सकते हैं कि कार्बोरेटर की सर्विस जो, अब मैं सबसे पहले एयर वाला जो वॉल्यूम है उसको बस देता हूँ। अब देखो गाड़ी की रेस जो है वो बढ़ने लगी है। अब पेट्रोल वाले को क्या करूँगा, थोड़ा पूरी चूड़ी कस दूँगा इसकी। जैसे इसका डाउन होने लगेगा, अब देखो स्पीड कम होने लगी, तो मैं इसके दो चूड़ी खोलूँगा, एक आधी खोली, दो, एक डेढ़। अब जैसे ये स्थिति में आएगा, ऐसी स्थिति में कि जहाँ से आपको मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, देखिए ये स्पीड बढ़ रही है, बस इससे ज़्यादा मतलब जो है, अब मैं इसको ज़्यादा खोलूँगा तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी और पेट्रोल ज़्यादा खाएगी। अब बिल्कुल भारत यहाँ पर ला कर छोड़ दें और इसको यहाँ से इस एयर वाले को कम कर दें, ये देखिए, जिससे आपकी गाड़ी बंद ना हो इतना रख लीजिए। अब ये गाड़ी हमारी स्टार्ट रहेगी बिल्कुल से। देखिए दोस्तों अभी आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करने ना भूलें, और भविष्य में आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा मैं मिलता रहेगा, सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। दिखाना चाहूँगा, अब देखो गाड़ी स्टार्ट है, जैसे अब गाड़ी स्टार्ट है, अब देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कैमरा मैन को बोलो थोड़ा पास ला के दिखाएं, अब देखें, ये देखिए एक आवाज़ आई। ये करंट इसमें स्टोरेज होता है तो इस वजह से जो है ये आवाज़ करता है, तो इसके हाथ ना लगाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।